Good morning, dear student. Welcome back to our online classes. I hope you all are fit and fine at your home. Before summer vacation, lesson 3 already we are completed. Today is our starting lesson number 4, Animal Kingdom. After summer vacation, we are starting lesson number 4, Animal Kingdom. Animal Kingdom kya hai? All of you take your book and open page number 8, lesson number 4, Animal Kingdom. Animal Kingdom. The Animal Kingdom contains the most varied living thing on earth. Animals have sense organs that tell them about their surroundings. Animals are found everywhere on land, in water, in the air. Some animals give birth to their young ones and some lay eggs. There are two main groups of animal. They are invertebrates and second one vertebrates. तो इसमें क्या है आपको देखना है, इसका एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ कि द एनिमल किंगडम कंटेन्स द मोस्ट वेरिड लिविंग ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ. कि जानवरों के हिसाब से, जानवरों के अनुसार धरती पर बहुत से जीवित इन चीजों के अंदर शामिल है. तो इसी प्रकार एनिमल हैव सेंस ऑर्गन टेल देम अबाउट द सराउंडिंग. जानवरों के पास जो इंद्रियां होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, उसके अनुसार उनको आसपास का पता चलता है. एनिमल आर फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड, इन वाटर वाटर एंड इन द एयर. जानवर जमीन पर हर जगह पानी और हवा में पाए जाते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड सम ले एग्स. कोई जानवर होता है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और कोई है जो अंडे देते हैं. तो यहाँ पे टू टाइप्स के एनिमल्स बताए गए हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट डोंट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. जिस एनिमल के पास में बैकबोन नहीं होती है वह इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. जैसे एग्जांपल्स में आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, स्पॉन्जेस, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, एक्स्ट्रा पिक्चर्स भी बनी हुई है बुक के अंदर आपके, और आपके उसको अंदर से देख सकते हैं. पिक्चर मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे ये पिक्चर्स जो दिख रही है आपको, यहाँ पे स्पॉन्जेस, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स. इसी प्रकार नेक्स्ट वन वर्टिब्रेट्स. एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, चीता, काऊ, एक्स्ट्रा. तो अपन को देखना है इसमें कि इनवर्टिब्रेट्स कौन सा है और वर्टिब्रेट्स कौन सा है. इनवर्टिब्रेट्स जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वह इनवर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स जिसके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है. तो इन दोनों में डिफरेंस मालूम करना है आपको. टू मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल, इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड वन वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव अ बैकबोन एंड वर्टिब्रेट्स मीन्स एग्जाम्पल देखो अपने बुक के अंदर कौन है वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बींग, एलिफेंट, चीता, काऊ. जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है वह है वर्टिब्रेट्स. एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन डोंट हैव बैकबोन एंड दैट हैव अ बैकबोन. बैकबोन जिसके पास है वह है वर्टिब्रेट्स, और जिसके पास नहीं है इनवर्टिब्रेट्स. आपको समझ में आया ये? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. टुडे इज अवर टॉपिक एनिमल्स किंगडम. एनिमल्स किंगडम में आपको समझ में आया होगा कि टू टाइप्स के एनिमल्स है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. एंड इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव अ बैकबोन, दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. एंड सेकेंड वन वर्टिब्रेट्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. अंडरस्टैंड? नाउ पेज नंबर 9, बर्ड्स. नाउ पेज नंबर 9, बर्ड्स. बर्ड्स आर एनिमल्स विच हैव फेदर्स, अ बीक एंड विंग्स. ऑल बर्ड्स ले एग्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, सो सम बर्ड्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू फ्लाई. बर्ड्स एंड एनिमल्स के पास में क्या, बर्ड्स एंड एनिमल्स के पंख और चोंच होती है. ऑल बर्ड्स ले एग्स. सभी जो पक्षी हैं वह अंडे देते हैं. मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई, तो सम बर्ड्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू फ्लाई. कुछ जो पक्षी होते हैं वह उड़ने में असमर्थ होते हैं, वह उड़ नहीं सकते हैं. तो लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नेम दिस बर्ड्स, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स.
नीचे बॉक्स दिया हुआ है, उसको चित्र पिक्चर्स को देखना है अपन को और उसके अंदर फिल करना है कि ये कौन सा कहाँ पे बर्ड आएगा। तो पिक्चर्स देखना है अपन को, फर्स्ट वन आपका जो है ह्यूमिंग बर्ड, सेकेंड वन पिकॉक, पैरट, हैन, किंगफिशर, ईगल, ऑस्ट्रिच, आउल, वुडपैकर, ये जो आपको मैंने बता दिया है अभी। एंड आप अभी देखो नीचे जो पैराग्राफ पे पेज नंबर 9 पे, डिड यू नो पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया। अपना नेशनल बर्ड कौन सा है बच्चों? पिकॉक। पिकॉक इज द अवर नेशनल बर्ड। सेकेंड वन ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट एंड ह्यूमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट बर्ड्स कौन सा है? बिगेस्ट बर्ड कौन सा है वर्ल्ड का? ऑस्ट्रिच। एंड स्मॉल वन कौन सा है बच्चों? ह्यूमिंग बर्ड। पिकॉक अपना नेशनल बर्ड है और ऑस्ट्रिच ये जो सबसे बड़ा पक्षी है वह है ऑस्ट्रिच और सबसे छोटा है वह है ह्यूमिंग बर्ड। तो आज का जो अपना चैप्टर था एनिमल किंगडम और बर्ड्स, एनिमल किंगडम में टू टाइप्स के एनिमल मैंने बता दिया आपको। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट डोंट हैव अ बैकबोन, दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। एंड वर्टिब्रेट्स एनिमल दैट हैव अ बैकबोन वी आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स फॉर स्पॉन्जेस, इंसेक्ट्स, वॉर्म, एक्स्ट्रा। एंड सेकेंड वन वर्टिब्रेट्स ह्यूमन बींग, एलिफेंट, काउ एंड चीता। तो आपने पढ़ा आज एनिमल किंगडम और बर्ड्स, इसको फिर से रिवाइज करना है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।